नमस्कार। हिंदी विभाग डीएवी कॉलेज चीका द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में हमने जो प्रश्न किया था, हिंदी नाटक उद्भव और विकास। हिंदी के प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं, पहला नाटक किसे माना जाता है, और इसी प्रकार से विभिन्न नाटककारों को लेकर, उनके नाटकों को लेकर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको लेकर प्यारे विद्यार्थियों आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में भी किया था, कि हिंदी नाटक के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लिखेंगे कि हिंदी नाटकों के विकास क्रम को तीन भागों में प्रमुख रूप से बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है प्रसाद युग और तीसरा है प्रसादोत्तर युग। इसी प्रकार से आपके पास प्रश्न आ सकता है कि भारतेंदु जी ने किस प्रकार के नाटक लिखे हैं, तो आप इसका उत्तर लिखोगे कि भारतेंदु ने अनूदित और मौलिक दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना है? इसका उत्तर आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा रचित नहुष नाटक को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। प्यारे विद्यार्थी, नहुष की रचना 1857 ईस्वी में हुई थी और इसे भारतेंदु जी ने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। इसी प्रकार से आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दूसरा नाटक किसे माना है, दूसरा मौलिक नाटक? तो इसका उत्तर आएगा, भारतेंदु जी ने राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित शकुंतला नाटक को हिंदी का दूसरा प्रमुख नाटक माना है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरा मौलिक नाटक भारतेंदु जी ने किसे स्वीकार किया है? तो इसका उत्तर आएगा कि भारतेंदु जी ने स्वयं द्वारा लिखे गए, यानी कि अपने द्वारा लिखे गए विद्या सुंदर नाटक को हिंदी का तीसरा प्रमुख नाटक माना है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का चौथा मौलिक नाटक भारतेंदु जी ने किसे स्वीकार किया है, तो उसका उत्तर आएगा कि लाला श्रीनिवास द्वारा रचित तप्ता सुवर्ण को हिंदी का चौथा मौलिक नाटक भारतेंदु जी ने माना है। हिंदी नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है, इसका भी उत्तर आएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक कहा जा सकता है। भारतेंदु के राष्ट्रभक्ति परक नाटक का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर आएगा, विषशय विषमोषधम भारतेंदु द्वारा रचित राष्ट्रभक्ति परक नाटक है। दुर्लभ बंधु नाटक शेक्सपियर के किस रचना का अनुवाद है? इसका उत्तर आएगा कि दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। लक्ष्मी नारायण लाल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार मानकर कौन से नाटक की रचना की? इसका उत्तर आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि भारतेंदु नाटक की रचना की और भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार मानकर इस नाटक की रचना की। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किस नाटक को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है? इसका उत्तर आएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है, तो इसका उत्तर आएगा कि पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल को हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक माना जाता है। और इस नाटक में भारतेंदु ने स्वयं लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, इसका उत्तर आएगा, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी को
हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? इसका उत्तर आएगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रथम नाटक का नाम सज्जन है और इसकी रचना 1910 ईस्वी में, यानी कि 1910 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता कौन है? इसका उत्तर आएगा, लाला श्रीनिवास दास रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता है। भारतेंदु जी के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है? इसका उत्तर आएगा, भारतेंदु जी के प्रेम जोगिनी नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, इसका उत्तर आएगा, नील देवी भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक है। इसी प्रकार से बूढ़े मुहु मुहांसे जो ये प्रश्न है, इसके लेखक कौन है? इसका उत्तर आएगा, बूढ़े मुहु मुहांसे के लेखक राधाचरण गोस्वामी है। रेल का विकट खेल नाटक के रचयिता कौन है? इसका उत्तर आएगा, बाल कृष्ण भट्ट रेल का विकट खेल के रचयिता है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? इसका उत्तर आएगा, राजेश्री जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाट्य रचना है? इसका उत्तर आएगा, ध्रुव स्वामी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? इसका उत्तर आएगा, करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत के नाटक का नाम बताइए? उसका उत्तर आएगा, ज्योत्सना। मोहन राकेश के नाटक का नाम लिखिए? इसका उत्तर आएगा, लहरों के राजहंस। अंधा कुआं नाटक के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर आएगा, लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं नाटक के रचनाकार है। बकरी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका उत्तर आएगा, बकरी नाटक की रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने की है। आठवां सर्ग किसका नाटक है? इसका उत्तर आएगा, आठवां सर्ग की रचना सुरेंद्र वर्मा ने की है। शारदीय नाटक के नाटककार हैं? इसका उत्तर आएगा, जगदीश चंद्र माथुर। इसी प्रकार से नेपथ्य राग किसका नाटक है? इसका उत्तर आएगा, नेपथ्य राग नाटक की रचना मीरा कांत ने की है। आगरा बाजार किसका नाटक है? इसका उत्तर आएगा, अबीब तनवीर का। जादू की कुर्सी नाटक के लेखक कौन है? इसका उत्तर आएगा, बलराज साहनी। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रेम की वेदी नाटक के रचनाकार हैं? इसका उत्तर आएगा, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी एकांकी को लेकर। प्यारे विद्यार्थियों, जो नाटक एक ही अंक में लिखे जाते हैं उनको एकांकी के नाम से जाना जाता है। हिंदी एकांकी का जन्मदाता किसे माना गया है? इसका उत्तर आएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना गया है। हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? कुछ विद्वान एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी मानते हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? इसका उत्तर आएगा, भगवती चरण वर्मा रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर आएगा, राम कुमार वर्मा औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार हैं। भारतेंदु के विष से विष्मोषधम, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती इत्यादि नाटक एक ही अंक के हैं और डॉक्टर सत्येंद्र ने एकांकी का सूत्रपात भारतेंदु से ही माना है।
इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित एक घूंट एकांकी 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित बादल की मृत्यु एकांकी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त ने प्रसाद जी के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ माना है, और अज्ञेय जी ने भी डॉक्टर सोमनाथ गुप्त के इस मत को स्वीकार किया है। इसी प्रकार श्री रामनाथ सुमन ने चारू मित्रा 1942 ईस्वी में उसकी भूमिका में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना है। बादल की मृत्यु एकांकी सन 1930 ईस्वी में विश्वामित्र में प्रकाशित हुई थी। पृथ्वीराज की आंखें जो सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी संग्रह है। इसे भी विद्वान हिंदी का प्रथम एकांकी संग्रह मानते हैं। अधिकांश विद्वान एकांकी का प्रारंभ भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित कारवां एकांकी जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी उससे भी मानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा काव्य पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है, तो इसका उत्तर आएगा कि चंद्रगुप्त नाटक से। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है, इसका उत्तर आएगा जयशंकर प्रसाद। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद के किन्हीं चार प्रसिद्ध नाटकों के नाम लिखिए, तो आप उत्तर लिखोगे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु और ध्रुव स्वामिनी। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास प्रश्न आएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे किसकी रचनाएं हैं, तो आप उसका उत्तर लिखोगे कि मोहन राकेश। इस प्रकार से आपने अपने प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में देने हैं। इन प्रश्नों से संबंधित यदि किसी भी विद्यार्थी के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सामने स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और मैं दोबारा आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ई व्याख्यान के माध्यम से ज्ञानार्जन कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।